देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कटनी में ऑटो रिक्शा चालक संघ में विगत कई वर्षों में जिले में एकता देखने को मिली। दरअसल 7 तारीख सोमवार को ऑटो रिक्शा संघ की पुरानी कचहरी प्रांगण में चुनाव संपन्न होने हैं। उसके एक दिन पहले ऑटो रिक्शा संघ ने ऑटो रिक्शा चालकों से समन्वय स्थापित करने गेट टुगेदर पार्टी चौरसिया मैरिज गार्डन बस स्टैंड में रखी गई, जिसमें जिले के सभी लगभग 400 चालकों ने अपनी सहभागिता दी। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर ऑटो रिक्शा संघ की एकता को बरकरार रखने हेतु एकजुटता दिखाई। ऑटो संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए राजू सिंह बड़े, विक्की जायसवाल दोनों प्रत्याशी पार्टी में मौजूद रहे। बड़ी बात कार्यक्रम की यह रही कि इस दौरान भाजपा नेता ज्योति विनय दीक्षित ने बिखरे हुए ऑटो संघ को एकजुट करने में अपनी सहभागिता निभाई। गेट टुगेदर पार्टी में ऑटो रिक्शा चालकों ने एकजुटता की मिसाल कायम करते हुए समन्वय पार्टी में शरीक हुए। देखिए राजेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। एक साथ सवारी और सभी कर निकाल रहे हैं। आप लोगों की कई समस्याएं ऐसी हैं जो मैं देखता हूं, मैं भी नहीं करता हूं, रास्ते से देखता हूं तो ऑटो वाले उनके लिए ना तो सही सही स्टैंड है, पुलिस ने चला रहा है और अगर वो सौ का मारता है तो कुछ ही थोड़े चंद वोटों से हारा। उस हार का कारण भी मैं ये मानता हूं मैं आप लोगों से संपर्क नहीं किया। अगर मैं आप लोगों से संपर्क उस समय करता अपने पुराने भाइयों से तो हो सकता मैं सबसे ज्यादा तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और कहीं ना कहीं आने वाले समय का उद्देश्य भी आज इस मीटिंग को बुलाना है ऑटो संघ के चुनाव के साथ साथ कि आगामी तैयारी हम कर रहे हैं जनसेवा में और लोगों की सेवा और जगह जगह जाकर लोगों से मिलना जुलना जो भी हमारे अंदर शक्ति है उसको सेवा में लगाना है तभी को मालूम होगा। तो इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आप लोग कहते हैं कि कटनी का एक अच्छा नेतृत्व एक जमीनी कार्यकर्ता एक अच्छे पद पर बैठे या आपकी भाभी या मैं एक अच्छे पद पर बैठूं उसके लिए आपको आज से जब जहां जाते हैं जब जहां आते हैं जिस सवारी को उससे चर्चा करें उसको अपना विषय रखें क्योंकि आने वाले 3 महीने बाद